अस्सलाम वालेकुम। सब कैसे हैं? उम्मीद है सब ठीक होंगे। आज मैं आपके लिए लाई हूँ बैंगन और आलू के पकोड़े। आप सोचेंगे बैंगन और आलू के पकोड़े ये क्या? इसमें भी एक मजा है जो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आते हैं इंग्रेडिएंट्स की तरफ, जिसके लिए हमें चाहिए बेसन 1 कप, आलू 3 दरमियानी साइज़ के कटे हुए, 2 अदद बैंगन, नमक टेस्ट के हिसाब से, मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, अजवाइन पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन कुटा हुआ। इसके लिए सबसे पहले हमें बैटर बनाने की ज़रूरत है। इसमें सबसे पहले जाएगा नमक, अजवाइन 1/2 टीस्पून, मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन का पेस्ट। एक थिक सा बैटर बना लेंगे, उसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। इसको आराम आराम से मिक्स करेंगे, ऐसे अच्छा थिक सा इसका एक बना लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे। इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि इसमें कोई लम्स ना रह जाए। इसे बिल्कुल बहुत थिक सा ऐसा एक बैटर बना लेना, जो उसकी कोटिंग भी आराम से हो जाए। आलू मैंने पहले से काट लिए थे, बैंगन इसलिए नहीं काटे थे क्योंकि जो बैंगन होते हैं वो ब्लैक हो जाते हैं। इसको कटिंग की बारी आती है, ये थोड़ा सा एंडिस का काट लेंगे, ऐसे गोल गोल स्लाइसेस बना लेंगे इसके। बैंगन दोनों रेडी हैं। सबसे पहले बैंगन को मैरिनेट करेंगे। 1/2 टीस्पून इसमें डालनी है रेड मिर्च, नमक 1/2 टीस्पून, अजवाइन 1 चुटकी, 1/2 टीस्पून लहसुन का कुटा हुआ जो मैंने बताया। बैंगन को मैरिनेट कर लिया, अब बारी आती है आलू की। आलू को भी ऐसे ही मैरिनेट करना है। ये दोनों चीज़ें मेरी मैरिनेट हो गई हैं। इसको अफ्तारी से आधा घंटा पहले आलू को लगाना है और 10-15 मिनट पहले बैंगन को, इसलिए कि बैंगन ब्लैक हो जाते हैं। बारी आती है फ्राई करने की। ऑयल उसके लिए गर्म हो चुका है, अब मैं फ्राई करती हूँ। ये इस तरह एक पकड़ा, इसको ऐसे डिप किया अच्छे तरीके से, इसको ऐसे अब आपने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ऐसे। चलें जी, अब ये फ्राई हो चुके हैं, अब इनको मैं निकालती हूँ, इनका ऑयल निकलता है, अब आलू के फ्राई करते हैं। इसी तरह डिप करके आलू के भी आपने एक एक करके फ्राई करते जाना है।
से निकालेंगे। ये देखें, ये अच्छे से मज़ेदार से क्रिस्पी से फ्राई हो गए हैं। अब इनको ये मज़ेदार से पकोड़े रेडी हैं। आप इसको टोमेटो केचप के साथ, चिली सॉस के साथ, जिसके साथ भी आपको पसंद हो आप सर्व करें। पसंद आए ज़रूर लाइक कीजिएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।